सो एग्जैक्टली दिस इज NH8 और यहाँ से ही लेफ्ट लेते हैं कि टर्न लेने के बाद आपका MBS आइलैंड स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे कि हम अपनी प्रॉपर्टी से मीट करते हैं। यहाँ से बस 6 से 7 मिनट की ड्राइव पे आपका लगून आप देख सकते हो, कैट्रियोना आप देख सकते हो, क्रिएशंस की कनेक्टिविटी थोड़ी सी यहाँ पे उद्योग विहार से आप एंट्री करोगे जब आप क्रिएशंस पे जा सकते हो और यहाँ से आप 6 से 7 मिनट में अपना एम्बियंस कैट्रियोना पहुँच सकते हो जहाँ पे कि आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो आज स्पेसिफिक हम एम्बियंस कैट्रियोना के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गो, चलते हैं प्रोजेक्ट की ओर। बैक टू माई चैनल, दिस इज रियल एस्टेट डेस्टिनी एंड आई एम योर राहुल शर्मा और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एम्बियंस आइलैंड। इसी के साथ बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट आपको दिखाने के लिए आज मैं लाया हूँ एम्बियंस की तरफ से, जिसकी डिलीवरी हो चुकी है 2015 के अंदर, बट हाँ कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है इसलिए मैं आ गया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये आप जैसे बैक साइड देख पा रहे हो, इसका जो USP पॉइंट है मेन, मैं वहीं पर अभी खड़ा हूँ। ये आप देख सकते हो गोल्फ कोर्स, इसका 9 होल गोल्फ कोर्स आपको देखने को मिलता है। अभी तो ये डे लाइट है, थोड़ा सा नाइट लाइट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आता है। प्रॉपर फाउंटेन्स और आपका यहाँ पे ट्रैक दिया हुआ है, सारी चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई जाएंगी। और इसके अंदर आपको जो अवेलेबिलिटी मिलती है यहाँ पे फ्लोर्स की, मैं आपको बता दूँ ये आपके मिड राइज अपार्टमेंट रहने वाले हैं जो कि आप रहते हैं ग्राउंड प्लस 11 फ्लोर्स। 11 पे आपका पेंट हाउस आपको देखने को मिलता है जो कि आपको ड्यूप्लेक्स रहने वाला है। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ उसका नाम है एम्बियंस का कैट्रियोना का प्रोडक्ट, जो कि आपका लैंड पार्सल टोटल अगर मैं बात करूँ तो 15 एकर्स का टोटल लैंड पार्सल रहने वाला है जो कि इसका रेजिडेंशियल पार्ट है। और ओवरऑल इसका जो लैंड पार्सल है वो 50 एकर्स का आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर 35 एकर्स का तो आपको एक गोल्फ कोर्स मिलने वाला है एंड 15 एकर्स का आपको रेजिडेंशियल पार्ट मिलने वाला है। एंड अब इसी के साथ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आपको इन्वेंट्री, अगर आप देखते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है 4 और 5 BHKs और सम पेंट हाउसेज आर ऑल्सो अवेलेबल हेयर। बट आज हम यहाँ पे बात करेंगे एक पेंट हाउस की, अपने स्पेसिफिक आज मैं आपको एक पेंट हाउस की यूनिट पे लेके चलूँगा जो कि आपकी ऑलमोस्ट रेडी है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें मूवेबल है, बाकी आपको मैं वहाँ जाके बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको बिल्डर की साइड से मिलेगी और क्या क्या नहीं। यानी कि चीज़ें आपको सब कुछ ही मिलेगी, फुली फर्निश्ड आपको अपार्टमेंट मिलेगा, वहाँ पे किचन के अंदर आपको फुली लोडेड किचन मिलेगा, चिमनी हॉब्स सब कुछ आपको मिलेगा, बाकी सारी बातें करते हैं चल के, लेट्स गो। लेके आ चुका हूँ आपको मैं पेंट हाउस दिखाने के लिए एम्बियंस कैट्रियोना का। सो आप सबसे पहले लॉबी देख सकते हो और इसके साथ 2 लिफ्ट के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और एक नेबर, जैसे कि मैंने आपको कहा था आप शेयर कर सकते हो अपने हर डार्क के अंदर। ऑलमोस्ट लॉबी का साइज आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल साइज है लॉबी के अंदर आपको मिलने वाला है। एंड अब इसके बाद एंट्री करते हैं अपने अपार्टमेंट की ओर। सो ये है हमारा ब्यूटीफुल सा पेंट हाउस जो कि आपका 10,000 स्क्वायर फीट का रहने वाला है, स्पेस आपको मिलने वाला है नीचे और 3,500 का स्पेस आपको मिलेगा ऊपर, यानी कि आपका 13,000 स्क्वायर फीट का पे ओवरऑल पेंट हाउस का साइज रहने वाला है। और ये आप देख सकते हो आपका वेटिंग लॉन्च है आपका ये। और इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पहले डोर की क्वालिटी बता देता हूँ, ये बर्बिक वुड टी डोर है, बहुत ही सुपर क्वालिटी का डोर है। इसकी जो इसका जो वेट है इतना ज़्यादा हैवी है वेट, अभी आपको वीडियो में तो अनशर पता चलेगा नहीं, बाकी आप थोड़ा इसको मूव करके देखोगे, साइड विजिट प्लान करोगे, उसके बाद आपको चीज़ें समझ में आएंगी। एंड ये इसके एडजस्टमेंट आपको जस्ट दिया हुआ है एक स्टडी रूम, स्टडी का ऑप्शन बहुत बढ़िया साइज में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, 10x17 का साइज आपको इसके अंदर मिल जाता है, बहुत बढ़िया ऑप्शन आपको मिल जाता है स्टडी के अंदर। एंड इसके साथ आपको दिया हुआ है पाउडर रूम, पाउडर इसको कन्वर्ट किया हुआ है इन लोगों ने टॉयलेट के अंदर, आप देख सकते हो। एंड पाउडर के बाद अपने आते हैं हम अपने बेडरूम पे, फर्स्ट बेडरूम का साइज बहुत ही ब्यूटीफुल आपको दिया हुआ है, साइज आप देख सकते हो, अटैच वॉशरूम आपको इसके साथ भी दिया हुआ है और एज इट इज यहाँ पे आपको टीवी भी लगा के दिया जाएगा। और इसके सामने मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इसके सामने जो आपको व्यू आता है ना, इतना ब्यूटीफुल व्यू इसके अंदर आपको मिलने वाला है, गोल्फ कोर्स आपको दिखाई देगा, मतलब जैसे भी आप कभी भी आप बेल्कनी के अंदर आप एंटर करोगे तब आपको ये महसूस होगा कि आप एक सीनरिक व्यू आपको एंजॉय होगा। उसके बाद चलते हैं सीधे अपने लिविंग एरिया की तरफ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा डाइनिंग एरिया। तो चलते हैं, फॉयल एरिया भी आपको मैंने दिखाया नहीं, फॉयल एरिया एक्चुअली इतना एक्साइटेड हो रहा हूं मैं, इतना ब्यूटीफुल पेंट हाउस है, एम्बियंस का प्रोडक्ट है तो फिर एक्साइटमेंट तो बनती है थोड़ी बहुत लेवल की। और ये आप देख सकते हो फॉयल के बाद आपका वेटिंग लॉन्च मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में। एंड इसके बाद एंट्री करते हैं अपने लिविंग एरिया में, फैमिली लॉन्च आप बोल सकते हो इसको, कैसे भी आप अपनी चीजों को कन्वर्ट कर सकते हो। सो साइज आप देखो कितना अच्छा खासा साइज आपको इसके अंदर दिया हुआ है और VRV फिटिंग्स आपके AC के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपको सेंट्रली आपके AC
लग के मिलेगा यहाँ पे आपको। चार टन का एसी बीआरबी की फिटिंग आपकी की हुई है और स्विचेस भी यहाँ पे आपको दी हुई है एंड डाइनिंग एरिया। और हाँ, पूरे घर के अंदर आपको यहाँ पे होम ऑटोमेशन डिवाइस सिस्टम आपको दिया हुआ है और स्विचेस के ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, क्योंकि कुछ ओल्ड लोग भी हमारे साथ रहते हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग साथ भी रहते हैं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती है ये चीजें, तो ठीक है उनके लिए स्विचेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया कराया गया है। और ये आपका डाइनिंग एरिया दिया हुआ है आपको यहाँ पे, आप आराम से अपना डाइनिंग बैठ के अपना फैमिली लॉन्च आपको साथ में दिया हुआ है। एक आपका लिविंग एरिया आपको साइड सामने दिया हुआ है, तो आराम से आप लोग यहाँ पे खाना वाना एंजॉय कर सकते हो और उसके बाद अपना फैमिली के साथ अपना गेट टुगेदर कर सकते हो। इसके बाद एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, सो रेडी फॉर इट। ये आप देख सकते हो सामने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, और इससे पहले आप देखो बैल्कनी का ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, कितनी ज्यादा यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया हुआ है आपका बैल्कनी के अंदर। लाइक अगर किसी का देखो घर तो एक स्वर्ग होता है, घर में तो सबका ही मन लगता है, पर फिर भी थोड़ा सा अगर आप चेंज चाहते हो तो अपना बैल्कनी में आ सकते हो। और आपका जो डेक एरिया वो भी आपको बाद में कवर करूंगा, बट बैल्कनी आपके देखो कितनी स्पेसफुल है आपकी बैल्कनी, कितनी ज्यादा स्पेशियस है। एंड सामने आप अब व्यू को एंजॉय करो कितना ब्यूटीफुल आपको, और सामने आपका वो जो सामने आप देख रहे हो वो आपके बैंकेट्स हैं। ए डॉट के बारे में आपने सुना ही होगा आई एम श्योर, गुड़गांव में अगर आप सर्च करोगे तो आपको आराम से गूगल पे आपको मिल जाएगा। एंड ये आपका गोल्फ रहने वाला है सामने, एंड ये आपके टोटल टावर्स हैं आपके यहाँ पे। तो ये एल शेप में पूरा लेआउट है इस प्रोजेक्ट का, एल शेप में पूरा प्रोजेक्ट आपको डिलीवर किया हुआ है, जिस तरीके से आपके यहाँ पे भी ग्राउंड प्लस 11 एंड यहाँ पे भी ग्राउंड प्लस 11, तो मल्टी स्टोरीज आपको मिलने वाली है। एंड अब हम चलते हैं आगे, अब बैल्कनी की बात करते हैं अपने फैमिली लॉन्च की। अभी देखो आपको थोड़ा सा डिवाइड अगर यहाँ पे किया हुआ है तो आप इसको अपने हिसाब से भी डेकोरेट कर सकते हो, अपने हिसाब से भी चीजों को यहाँ पे आप इधर से उधर कर सकते हो, लाइक डाइनिंग एरिया आप सारा इधर कर दो और फैमिली लॉन्च पूरा आप ये चीजें यहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो जैसे ही क्या थोड़ा और ज्यादा स्पेस प्रोवाइड हो जाता है चीजों को। एंड इसके बाद अब चलते हैं हम आगे, हम बात करते हैं अपने किचन की, बहुत ही ब्यूटीफुल स्पेस के साथ और फुल्ली लोडेड किचन आपको दे रहा है एम्बियंस अपनी तरफ से। किचन से पहले ये आपका पूजा रूम रहने वाला है, आपका पूजा का एरिया जो कि हर घर में बहुत ही ज्यादा मतलब एक पॉजिटिविटी लेके आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है घर के अंदर। आप चलते हैं किचन की तरफ, ये आप किचन देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट आपका दिया हुआ किचन के अंदर, इतना फुल्ली लोडेड और इतना स्पेशियस किचन आपको दे रहे हैं ये सब की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लैबिंग करके दे रहे हैं और आपको वुड की क्वालिटी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, मैं क्या ही बताऊं वुड के बारे में। तो एंड आप यहाँ देख सकते हो रेफ्रिजरेटर आपको अपनी तरफ से देंगे, अभी थोड़ा सा आइटम्स यहाँ से अभी मूव किए हुए हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे आपको सारी चीजें मिलेंगी, कुछ भी चीज आपको लाने की जरूरत नहीं है। चिमनी हॉब्स किचन में, चिमनी हॉब्स मेन काम करते हैं, और आपका ये सिंक का ऑप्शन दिया जाएगा यहाँ पे, आपके ड्रायर्स दिए जाएंगे यहाँ पे, आपको वॉश बेसिन आपके दोनों के दोनों मिलेंगे। आप किचन कवर हो गया हमारा, अब हम चलते हैं अपने बात लॉन्च की तरफ। यहाँ जैसा देख सकते हो ये आपका टोटली आपका सोना स्पा जकूजी सारी चीज आपको प्रोवाइड की हुई है इसके अंदर, और आप इसका स्पेस देख लो पहले कितना ज्यादा ब्यूटीफुल स्पेस आपको दिया हुआ है इसके अंदर। एंड इसके बाद ये आपका एक बैल्कनी का ऑप्शन आता है, जिसके सामने भी आपको मतलब दोनों की तरफ यहाँ पे व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल मिलने वाला है, एक तरफ गोल्फ कोर्स और दूसरी तरफ आपका ये रजोपरी का पूरा ग्रीन ग्रीन रहने वाला है व्यू। अभी हम चलते हैं उसकी तरफ भी, पर पहले हम आप देख लेते हैं यहाँ पे वॉशरूम का ऑप्शन आप देख सकते हो। वॉशरूम के अंदर इतनी सारी चीज, मैं कह रहा हूँ मतलब सब कुछ लाके रख दिया आपका एक वॉशरूम के अंदर, जकूजी भी आपका यहाँ पे, टॉयलेट सीट्स भी, और आपका वॉश बेसिन भी, और आपका ड्राई एरिया अलग, वेट एरिया अलग, और ये आपका लास्ट सोना। हर कोई नहीं देता मिल रहा आपको सोना का ऑप्शन, यहाँ पे आपको मिल रहा है सोना का ऑप्शन। वॉशरूम की बात चलते हैं अपने, एक ब्यूटीफुल आपको एक और चीज दिखाता हूँ, सीनिक व्यू। तो हमने बैक साइड कवर किया था जिसपे की आपको मैंने गोल्फ का ऑप्शन दिखाया था, एंड अब एक और व्यू आपको यहाँ से देखने को मिलता है बिल्डिंग के बैक साइड से, ब्यूटीफुल। थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंटेनेंस का वर्क रह रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी कोई यहाँ पे रहता नहीं है और प्रॉपर्टी डिलीवर हो चुकी है जिसको थोड़ा टाइम हो चुका है, तो ये सारा काम तो करवा के आपको वेंडर देगा ही अपनी तरफ से। बाकी आप सामने व्यू एंजॉय करो, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, और दिल्ली आपका 0 किलोमीटर पे यहाँ पे मिलने वाला है। ये पूरा जो ग्रीन बेल्ट आप देख रहे हो ये पूरी की पूरी दिल्ली के अंदर आती है आपकी। आफ्टर दिस ब्यूटीफुल बाथ एरिया आई एम गोइंग टू माई मास्टर बेडरूम।
मास्टर बेडरूम इतना ज्यादा ब्यूटीफुल साइज मास्टर बेडरूम का आपको यहाँ पे मिलने वाला है, बिलीव मी। मतलब आपने आज तक के अपने टाइम में सबसे बड़ा जहां भी आपने रूम देखा है, जहां भी मास्टर बेडरूम देखा है, बट गारंटी दे सकता हूँ उससे बड़ा आपने मास्टर बेडरूम नहीं देखा होगा, आई एम श्योर। अगर देखा तो कमेंट करके जरूर बताना। ब्यूटीफुल, ये आप सीन कितना प्यारा सीन है आप देख रहे हो मास्टर बेडरूम का। इसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो 26x16 का साइज आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जिसके साथ अटैच्ड आपका वॉशरूम भी रहने वाला है, जो कि एक्सक्लूडेड है इसके साथ साइज में। एंड ये आपको स्टोरेज भी दिया हुआ है साथ में। एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे वॉशरूम मिल रहा है, जकूजी ऑलमोस्ट आपको सब जगह दिया हुआ है यहाँ पे। तो ये था हमारा ब्यूटीफुल सा मास्टर बेडरूम, जहां पे कि आप फॉल सीलिंग का वर्क आप देख सकते हो, 3D लाइट्स का ऑप्शन, फैन का ऑप्शन, बेड्स, लैंप्स, वुडवर्क, ये सारा कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर सब कुछ आपको करके मिलेगा। आपको बस अपना थोड़ा बहुत सामान आपको लेके आ रहा है अपने साथ, जो भी आपके डेली नीड्स आइटम है, आपके जो भी नेसेसरी आइटम्स है। एंड यहाँ पे आपको टीवी भी यहाँ पे लग के दिया जाएगा बिल्डर की साइड से। एंड अब हम चलते हैं सीधा अपने सामने वाले रूम में, जो कि आपके रहने वाला है फोर्थ एंड लास्ट रूम, उसके बाद हम कवर करेंगे ऊपर चल के। So after covering my master bedroom, I'm entering in our fourth bedroom. As you can see, आप storage देख सकते हो कितना beautiful space आपको storage के अंदर दिया हुआ है। And इसके साथ आप bed का option यहाँ पे आपको और sofa का option आपको यहाँ पे जो सारी चीज आपको video के अंदर दिखाई दे रही है सब आपको मिलेगा ही मिलेगा। And यहाँ पे भी आपको balcony का option साथ में दिया हुआ है, इसमें कितना beautiful space आपको मिलने वाला है balcony में, ये तो आपने देख ही लिया है starting में। ये आपका backward part है और front में तो आपका golf course side में ही आने वाला है व्यू मेन जो है। और ये आपका लास्ट वॉशरूम आप देख सकते हो अटैच्ड, इसके साथ आपको दिया हुआ है जकूजी का ऑप्शन, आपको जैसे कि मैंने कहा था आपको हर वॉशरूम में आपको आपको मिलेगा टॉयलेट सीट्स, वॉश बेसिन। एंड ड्यूरावेट की आपको फिटिंग्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं टैप्स के। एंड आपको लोअर कैबिनेट्स का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड इसके बाद फॉल सीलिंग का भी आप यहाँ पे ब्यूटीफुल काम देख सकते हो, कितना बढ़िया काम आपको करके मिल रहा है। स्टोरेज आपको हर जगह मिलेगा आपको यहाँ पे वॉशरूम में देखने को, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसमें आप है ना नुक्स निकाल सको, कोई भी ऐसी चीज नहीं है बिल्डर की साइड से, सारा काम यहाँ पे आपको अप टू डेट करके मिल रहा है। सो फ्लोर हमारा पूरा कवर हो चुका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ये आपका पेंट हाउस, ड्यूप्लेक्स पेंट हाउस आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको ये 10,000 स्क्वायर फीट का एरिया नीचे एंड उसके ऊपर 3,500 स्क्वायर फीट का एरिया ऊपर, यानी कि हमारा जो डेक रहने वाला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो लेट्स गो, चलते हैं अपने स्टेयर्स से। आप आपको डायरेक्ट लॉन्च में आपको लेके चलता हूँ डायरेक्टली, सो लेट्स गो। एंड इसके बाद अब हम आ चुके हैं ऊपर, जाके मैं आपको दिखाऊंगा आपका पाउड एरिया एंड आपका डेक एरिया। इससे पहले आप स्पेस देख लो, यहाँ पे फैंस और आपका प्रोजेक्टर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है और यहाँ पे भी आपके टीवी आ जाएगा। स्पेस में कोई कमी नहीं है किसी भी चीज की, मतलब वॉशरूम से लेके ऑर्डर रूम से लेकर के आपके हर रूम के अंदर स्पेस बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला गया है स्पेस। एंड अब इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ एक जिम का ऑप्शन, बट उससे पहले एक आपका सिटिंग लाउंज ये हो गया एंड एक आपका सिटिंग लाउंज आप यहाँ देख सकते हो। एंड इसके बाद एक रूम आपको अंदर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो 10x12 का रूम साइज आपको इसके अंदर मिलने वाला है, जिसके साथ आपको एक्सक्लूड करके जो कि आपका ये वॉशरूम दिया हुआ है, जिसके अंदर भी आपको जकूजी का ऑप्शन मिलता है, ये आप देख सकते हो जकूजी का ऑप्शन एंड इसके साथ वॉश बेसिन। एंड इसके बाद बैक साइड आप देख सकते हो फिर से आपका गोल्फ का ऑप्शन, ये थोड़ा सा आपको कवर्ड रहने वाला है यहाँ पे। एंड अब चलते हैं। सो बहुत ही ब्यूटीफुल आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे रूम्स का। एंड आपको एक यहाँ पे जिम भी दिया हुआ है, जिम यानी कि आपको दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी और चीज के लिए भी। मैं आपको दिखा देता हूँ जिम। सो ये आपको आपका जिम का ऑप्शन मिल जाता है पेंट हाउस के अंदर। एंड आफ्टर दिस आप देख सकते हो बाहर टेरेस का ऑप्शन। एंड लास्ट पार्ट जो कि इस पेंट हाउस का देखने को आपको मिल रहा है, द ब्यूटीफुल टेरेस लॉन्च, टेरेस एरिया। आप देख ही सकते हो कितना ज्यादा वुड की क्वालिटी या वुड की क्वालिटी से लेकर के आपको बाथटब का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, ग्रास पे भी काम नहीं हुआ है, अपार्टमेंट का भी मेंटेनेंस हो नहीं पाती है,
बिकॉज अभी कोई रहता नहीं है कंपनी के पास, अभी चीज़ है। तो ये आप देख सकते हो एक बाटा का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अपना बात लेते लेते आप व्यू एंजॉय कर सकते हो, कितना ज़्यादा सीनरिक व्यू आ रहा है आपका यहाँ से। एंड मैं यहाँ से अगर आपकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो सोना रोड गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव के अंदर, मतलब कहीं भी बहुत ही इजी है आपका कहीं भी जाना आना। एंड दिल्ली के अंदर भी अगर आप कहीं भी आना जाना चाहते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सेस आपका रहने वाला है यहाँ से, बिल्कुल NH-8 की प्रॉपर्टी आपकी ये नियर बाय लीला। एंड एक चीज़ और आपको बतानी रह गई थी, अगर आपको इसके अंदर क्लब हाउस आपके सोसाइटी के अंदर आपको नहीं मिलता है, बट क्लब हाउस का ऑप्शन आपका यहाँ पे रहता है जो कि आप यूज़ कर सकते हो द लीला के अंदर। द लीला का क्लब हाउस आप जी हाँ यूज़ कर सकते हो, इस सोसाइटी का जो भी आपका रेजिडेंस होगा तो आप उसके मेंबर बन सकते हो, तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेगा। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड हाँ शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे कि अगर आपके ना काम ये वीडियो है, क्या पता किसी और के आपके रिलेटिव के काम आ जाए, आपके किसी यार दोस्त के काम आ जाए। सो थैंक यू सो मच।